मैडम, आज हमारा इंटरव्यू था। हाँ, आप अंदर जाइए और सर आप उधर बैठ के वेट कर लीजिए। अरे भाई, जैसा होगा बताना। तो पहले आप अपना नाम बताइए। काजल काजल तिवारी नाम है हमारा। तुम्हारी मम्मी का नाम नहीं पूछे हैं, तुम्हारा नाम पूछे हैं। हाँ तो हमारा नाम ही काजल तिवारी है, कोई शक है का? अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ बम्बई गए हो? हाँ गए हैं और घूमे भी हैं। नाम बताओ। अब ही तो बताया ना, काजल तिवारी। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग तुम्हारी इंग्लिश चेक करेंगे। जो भी हम लोग पूछेंगे उसका अपोजिट वर्ड बताना है तुम्हें। तो बताओ, गुड, बैड, कम, अगली, गो, पिछली, सेटअप। कीप ओके, नाउ स्टॉप ऑल दिस। टॉकिंग, अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अबे बोलता जा बोलता जा बोलता जा। अरे यार, अरे दुश्मन, गेट आउट। कमिंग। ओ माय गॉड, कोई से चुप कराओ। ओ माय डेविल, कोई से बुलवाओ। अरे अरे मेरे बाप, चुप हो जा। मेरे बेटे, बोलता जा। आई यू आर रिजेक्टेड। एम सिलेक्टेड। प्रभु, आपके चरण कहाँ है? बस कड़कड़ में है। अरे भाई, कैसा रहा इंटरव्यू? अरे पूछो मत भाई, बड़े उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लग रहा है पहले से किसी रिश्तेदार के लिए सेटिंग कर रखी है। जाओ, ऑल द बेस्ट। अब इससे नाम वाम मत पूछना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी सर। तो मिस्टर गुप्ता, आप बताइए, यदि आप नदी में एक बोट पर हो और आपके पास दो कैंडल हो, इसके अलावा कुछ ना हो, और आपको एक कैंडल जलानी हो, तो कैसे जलाएंगे? अरे सर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके तो चार पांच ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, वो क्या? जी यार, जिसका आंसर कोई ना दे सका उसकी कह रहे चार पांच ऑप्शन है, क्या बात है। सर ऐसे ही लंबी लंबी फेंक रहा होगा, कुछ आ नहीं रहा होगा इसको, देखते हैं। हाँ तो गुप्ता जी, ऑप्शन बताइए। अरे सर, पहला ऑप्शन है कि हम दो कैंडल में से एक कैंडल को पानी में फेंक देंगे। इससे क्या होगा कि बोट बिकम लाइटर, मतलब हल्की हो जाएगी, और उस लाइटर से हम एक कैंडल जला लेंगे। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन थ्रो द मीन्स? कैंडल अप एंड कैच इट, मीन्स कैचेस विन द मैचेस, और मैचेस यूजिंग मोमबत्ती जला सकते हैं। तरीका क्या है? अरे सर, नदी में से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसको ड्रॉप ड्रॉप करके गिराइए। हाँ तो उससे क्या होगा? ये टिप टिप का साउंड करेगा ना सर, टिप 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 टिप। तो तो आप लोगों ने वो वाला सॉन्ग नहीं सुना है क्या? टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, जब आग लगेगी तो कैंडल तो जली जाएंगे। पर सर, यदि आपको ये उपाय ना पसंद आए तो मेरे पास अभी भी एक और उपाय है। दोनों कैंडल में से एक कैंडल से आप प्यार करने लगी, दूसरी अपने आप ही जल जाएगी। अरे रिश्तेदार को मारो गोली और गुप्ता जी को सिलेक्ट करो। गुप्ता जी, आप कल से काम पे आ सकते हैं। थैंक यू सर। सर मैम, मेरा ये चेक है, कितने दिन में क्लियर हो जाएगा? अरे आपका चेक क्लियर होने में 3 दिन पर मेरा चेक तो सामने वाले ही बैंक का है, आमने सामने ही क्लियर होने में 3 दिन लग जाएगा। लगेगा सर। थोड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे मतलब? मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में शमशान घाट हो और आप वहीं निपट जाएं, तो लोग पहले आपको आपके घर ले जाएंगे या वहीं निपटा देंगे। अरे प्रियंका, तू
तुझे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? हाँ यार, यही तो कब से हम भी इससे पूछ रहे हैं, पर ये कुछ बता ही नहीं रही है। क्या बताऊँ, मेरा तो मन कर रहा है चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाऊँ। अरे तुम तो इतनी बड़ी हो, चुल्लू पर पानी में डूब कर कैसे मरोगी? तुम तो किसी नदी या कुएं में ही डूब कर मर पाओगी। अरे भगवान के वास्ते, कोई तो इसे चुप करा दो, मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे अब ये भगवान कौन है? हम में से तो किसी का नाम नहीं है। कोई ऑफिस में नया आया क्या? अरे इसे छोड़, तू बता क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे ये आरजे की हरकतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है, और अपना बॉस तो कान का कच्चा ही है एकदम से। अरे कल जब मैं ना कस्टमर से फीडबैक ले रही थी, तो ये बॉस से फोन करके बोलता है कि प्रियंका काम नहीं कर रही है, ये तो फोन पे अपने घर पे बात कर रही है खाली। हाँ यार तू ठीक कह रही है, इस आरजे ने तो हम सबका जीना हराम कर दिया है, ये सबकी चुगली करता है बॉस से। हाँ अब तू रोना बंद कर, हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या करना है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम लोग ना इसके नाम की वो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? अरे वही जो पान में डालते हैं। तत्था? अरे नहीं। तो फिर क्या, चूना? तो क्या इलायची? सुपारी क्या? हाँ हम लोग ना उसके नाम की सुपारी दे देते हैं किसी को। अबे तेरी खिसक गई है क्या, पगला गए हो? अरे एक काम करते हैं, उसको ना सड़ा हुआ लड्डू खिला देते हैं। हम लोग ना उसके खिलाफ ऊपर मेल डाल देते हैं। हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। अरे सिर्फ इसका ही नहीं, बॉस का भी तो कुछ करना होगा, उनके लिए भी कोई आइडिया सोचो। क्यों, अब बॉस ने ऐसा क्या कर दिया? अरे अब कल ही का देख लो। सर ये कुछ पेपर है, इस पे साइन कर दीजिए। हाँ लाओ दो। अरे सर एक बार देख तो लीजिए। हाँ देख लिया, बहुत अच्छी लग रही हूँ, ब्यूटीफुल। अरे अरे मुझे नहीं, इन पेपरों को। हाँ हाँ जानता हूँ, ज्यादा ना सिखाओ। अब तुम्हें ही बताओ, ये भी कोई बात होती है? अच्छा चलो अब काम करते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? बॉस को बताऊं? ये लो नाम लिया शैतान हाजिर। अरे अब ये शैतान कौन है? ये तो आरजी है ना। Oh my God! किसको बोला बे? आप ही जाकर मैं बॉस को बताता हूँ। हाँ तू तो बॉस का पूरा चमचा ही बन जा। तो क्या बॉस चम्मच की बजाय इसका प्रयोग करते हैं खाना खाने में? भगवान, कोई तो इसे यहाँ से ले जाओ। तुम सब यहाँ खड़े होकर बस यही सब बकवास किया करो। अरे बॉस जितना वेतन देता है, कम से कम उतना काम तो कर लिया करो। हाँ ऐसा लगता है कि हमारे हिस्से का काम तुम ही कर लेते हो। हाँ तुम्हें क्या करना है, खुद तो 11 बजे आना है और 4 बजे भाग जाना है। यहाँ जो 9 बजे से आकर काम कर रहा है, वो तुमको दिखाई ही नहीं देता है। बस जब देखो तब लड़ते ही रहते हो और चुगली करते हो। तुम तो हम लोगों से ना ही बोलो तो ही अच्छा है। क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा, देखते हैं तुम लोग क्या करती हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। ओह नो, अब ये सिस्टम को क्या हो गया, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? अरे आरजी जरा 2 मिनट के लिए अपना कंप्यूटर दे देना, मुझे एक बहुत ही जरूरी मेल करना है। नहीं अभी जाओ यहाँ से, देख नहीं रही हूँ मैं काम कर रहा हूँ? अरे यार क्या कर रही है, फ्री है क्या? अरे नहीं यार, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेल करना था, लेकिन मेरा सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। मैंने आरजे से पूछा तो बोलता है कि नहीं खाली नहीं है, लेकिन वो तो फोन पे बात कर रहा है ना। अरे जानती नहीं हूँ उसकी आदत, बस सिस्टम छेक के ही बैठा रहता है, ना खुद काम करता है ना दूसरों को करने देता है, खाली फोन पर इधर उधर बात करता रहता है। पक्का इसकी वाइफ तो होगी ही नहीं, पता नहीं किससे बतियाता रहता है। हाँ रोशनी जी, और कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं? अच्छा अच्छा, अरे मैंने आपको आने के लिए कहा था लेकिन आप आई नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है दूसरे दिन आ जाइएगा,
आ जाएंगी तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो खाली ही हूँ। आप बताइए अपने बारे में, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपका, आपकी क्या समस्या है। अच्छा अच्छा ठीक, आप आ जाइए एक बार हमारे ऑफिस, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुना ना क्या क्या फालतू बात करता रहता है। अरे चल छोड़ इसको, तू मेरे सिस्टम से मेल कर ले, चल यहाँ से चलते हैं। हाँ यार चल चलते हैं। हो गया तेरा मेल, चल अब निकलते हैं। हाँ वैसे भी 5 बज गए हैं, बाकी काम अब कल करते हैं। हाँ वैसे भी ये बहुत खबरदार है, सारा काम फटाफट कर लेगी। ए भाई खबरदार नहीं समझदार। अरे ये कब समझदार बनेगा। बॉस ने कहा है कि कोई भी 6 बजे से पहले घर नहीं जाएगा। अरे बॉस ने कुछ नहीं कहा हुआ है, ये सब यही करता है। इसकी तो अरे ये ठीक बात नहीं है, तुम लोग इसको मारो मत। सब ठीक है, जो होगा हम देख लेंगे। अब चलो चलते हैं। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। अरे बॉस आज सब 4 ही बजे भागने के चक्कर में थे, तो जब मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगा तो वो लड़कियों ने मुझे मिलकर मारा। अच्छा आने दो लड़कियों को, उनकी खबर लेता हूँ मैं। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम लोगों ने आरजे को मिलकर मारा। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि उल्टा वही हम लोगों के साथ छेड़खानी कर रहा था। हम लोग तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करने की सोच रहे थे। हाँ सर हम लोग अभी यही बातें भी कर रहे थे। अरे नहीं नहीं तुम लोग पुलिस में मत जाना, नहीं तो कंपनी का नाम खराब होगा और शेयर डाउन हो जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ इसका। हाय गाइस, सुना है आरजे का ट्रांसफर हो गया। हाँ हाँ बॉस ने खुद ही उसका ट्रांसफर कराया है। अरे अब तुझे क्या हो गया। अरे मैं सोच रहा हूँ कि आरजे जहाँ जाएगा उन लोगों का क्या हाल होगा। हाँ बात तो सही है, पर हमारा तो पीछा छूटा। अरे कोई नहीं, हिम्मत है तो हौसले हैं, चिड़िया है तो घोंसले हैं, और आशा है तो घोंसले हैं। अरे आरजे तुम ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो। वो मेरा ट्रांसफर जो रुक गया है।